अवसर सुनी शिवधनुबा तेरी अवसर सुनी शिवधनुबा आए उग्रीकुल कमल पतंगा कमल पतंगा आए उग्रीकुल कमल पतंगा महीप सकल सतु जाने देवी महीप सकल सतु जाने देखी महीप सकल सतु जाने सकल सचाने बाज जपते जन लवा दुकान बाज जपते जन लवा दुकान बाजी जपते जन लवाने बाजी जपते जन लवाने तेरी अवसर सुनी शिवधन अवसर सुनी शिवृगुकुल कमल पतंगा आए भृगुकुल कमल पतंगा शिवधनुबा कमल पतंगा कमल पतंगा शिवधनुबा बोलिए हनुमान जी महाराज खाइए इस कथा के लिए कुछ उपसंहारक बातें करते हुए भुसुंडी रामायण का पाठ करके इस कथा के विराम की ओर यात्रा करें। अभी अभी जो आदरणीय और पूज्य चरणों की ओर से यहां अपना भाव और आदर व्यक्त किया गया उसको मैं केवल मानस की एक अर्धाली के रूप में समझता हूं।
कि बड़े स्नेह लघुन पर करे। बड़ों का यही ही बड़प्पन है कि स्नेह की वर्षा करना। आप सभी आदरणीय सारस्वतों ने जो व्यास गादी के प्रति भाव व्यक्त किया, और आप सब मेरे पाटलिपुत्र के और बिहार के सभी भाई बहन इतने दिनों से श्रद्धा मैं तो तीन शब्द का प्रयोग करता रहता हूं जहां मुझे लगता है, आस्था अवस्था और व्यवस्था से तुम सुन रहे हो। आपकी राम कथा में आस्था है और मिथिला प्रदेश की इस जानकी जी के इस भूखंड में एक सबकी अवस्था भी है, एक स्थिति होती है सब। अभी अभी आदरणीय निवृत्त सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायमूर्ति भारतवर्ष के, उसने भी कहा कि हम चार दशकों से कथा को सुनते रहते हैं। अभी अभी पूज्य चरण आचार्य श्री ने भी कहा कि इतने काव्यों पर उसका अधिकार है, और तुलसी बरम का संपादन किया आप श्री ने, और सभी लोगों ने जो जो भाव इससे आपकी अवस्था भी प्रतीत होती है। देखता हूं आपकी आस्था, देखता हूं आपकी अवस्था, केवल शारीरिक नहीं, बौद्धिक हार्दिक धार्मिक तीनों, और देखता हूं आयोजकों की व्यवस्था तीनों के लिए। मैं अपार प्रसन्नता लेकर आपसे विदा ले रहा हूं। वैसे आप अभी अभी यहां मंच पर से भी सभी ने उद्गार व्यक्त किए, और आपकी मनोभावना में समझ रहा हूं, इतने दिनों से देख रहा हूं कि कथा के विराम के समय श्रोताओं के मन में एक उदासी होती है। लेकिन ऐसा मत समझो कि हम जाने के लिए प्रसन्नता लेकर जा रहे हैं। हमको भी कथा जब भी पूरी होती है हमको भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कथा तो कभी पूरी ही न हो। लेकिन देश काल से बंधे, अपने स्वधर्म से बंधे, दिए हुए वचनों में बंधे, सबकी अपनी मर्यादा है, इनको निभाने के लिए रामचरितमानस में एक पंक्ति है, सदा रहूं पुर आवत जाता, सदा रहूं पुर आवत जाता। हम तो जब जब मौका मिलेगा जरूर इस मां की भूमि की यात्रा करते रहेंगे। जब योग बना, जब मौका मिला, लेकिन मैं आपको भी कहता हूं कि आपको भी जब मौका मिले, आपको भी जब योग मिले, तो तलगा जरड़ा भी आते रहना, वहां भी आते रहना। और मैं कह दूं आपको कि कहीं भारत के किसी प्रांत में या विदेश में कथा हो और आप आए, तो हम मिथिला के हैं, इतनी चिट्ठी लिखकर भेज देना, मैं आपको मिलने के आ जाऊंगा। क्योंकि आप और हम सबकी मां एक है, बाप है, हम उनके नाते सब भाई बहन।
तो मुझे भी आप सबके प्रेम को देख करके होता है कि क्या ये महान भूमि है। बस इसी श्रद्धा को, इसी भाव को, इसी आस्था अवस्था और व्यवस्था को कायम बनाए रखे, ताकि बिहार से पूरे भारत को और पूरे भारत से पूरी भूमंडल को और पूरे भूमंडल से पूरे विश्व को प्रेरणा मिलती रहे कि हम मां के देश के संतान हैं। मैं बहुत बहुत श्रद्धा से नतमस्तक होता हुआ आओ मैं थोड़ा प्रसंग में प्रवेश कर ताकि कथा को परशुराम जी का प्रसंग कई रूप में हम देख रहे हैं। मैंने पहले दिन या तो दूसरे दिन भी कहा था, बीच में भी कहा होगा, फिर अंत में कह रहा हूं कि परशुराम जी हमारी अवतार परंपरा के एक अवतार है, लेकिन उसके दर्शन से वो हमको बड़ी प्रेरणा देते हैं। इनका क्रोध भी प्रेरणा देता है कि भाई समझो, सावधान रहो, सब अपने जीवन से वो दिखा रहे हैं, एक लीला चल रही है। बधे पाप अपकीर्ति हारे, बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, कोटि कुरीस सब बचन तुम्हारा, कोई कुलीस सब बचन तुम्हारा, धर धन बाल तुम्हारा, दिव्य धर कल का अनुसंधान करें, सूर महिसूर हरिजन और गायें, इनके सामने हम अपनी शूरवीरता नहीं दिखाते, इनके सामने हम लड़ते नहीं, जिसकी चर्चा समयानुकूल कल थोड़ी की गई। अब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को कि बाबा देखो, प्रसंग में ऐसा भी लगता है कि भगवान राम यदि लीला क्षेत्र में, अवतार क्षेत्र में आए हैं क्षत्रिय कुल में, तो है तो क्षत्रिय, जन्म से क्षत्रिय, लेकिन ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं इस प्रसंग में। ब्राह्मण के जितने लक्षण हैं ठाकुर जी में नक्श को, श्रीमद् भागवत जी ने द्विशत गुण जो विप्रों के बताए हैं, 12 गुण, समय नहीं है आज, लेकिन 12 के 12 विप्र कर्म के, विप्र के जो स्वाभाविक गुण है वो सब रघुनाथ जी में। रघुनाथ जी तो परमात्मा है, अनंत है, लेकिन मैं फिर एक बार को, हम सब अपनी खिड़की से आकाश को देखते रहते हैं, एक सीमा से देखते हैं, तो है तो वो क्षत्रिय कुल में आए, वैसे उसका कोई वर्ण नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बड़ा
शबरी जी ने जब तीन बार त्रिसत्य कर दिया, अधम ते अधम, अधम अति नारी, रघुनाथ जी के नेत्र भर गए। मां ऐसे अधम अधम मत बोल। जब शबरी बोली मैं अधम हूं और इनमें भी अधम हूं, तब प्रभु को अच्छा नहीं लगा, ठाकुर को सही नहीं लगा। मैं जात पात आदि को नहीं मानता, जाति पाति कुल धर्म कह रघुपति सुनो भामी बात, मानव एक भक्ति करना, नवधा भक्ति कहो तो ही पाए। मैं केवल एक भक्ति के नाते को कबूल करता हूं। विश्वामित्र जी को लगा था कि ब्रह्म ब्राह्मण के घर ही आ सकता है, इसलिए विश्वामित्र जी क्षत्रिय से ब्राह्मण बन बैठे, लेकिन भ्रांति तोड़ दी रघुनाथ जी ने कि नहीं नहीं, आप ब्रह्म को पाने के लिए क्षत्रिय से ब्राह्मण बने तो मैं क्षत्रिय के घर बेटा बनने जा रहा। तोड़ दी इस बात को। ब्रह्म का कोई वर्ण जाति पाति वहां छू नहीं सकती। फिर भी लीला क्षेत्र में जब आए हैं तो रघुकुल में आए हैं, तो आए तो क्षत्रिय कुल में, लेकिन ब्राह्मण के सभी लक्षण संपन्न है। और भगवान परशुराम जी आए हैं ब्राह्मण कुल में, लेकिन उसका स्वरूप क्षत्रिय जैसा दिखाई दे रहा है। और लखन जी तो दोनों में दुभाषीय है, ये कभी इसका भाषांतर करते हैं, कभी इसका भाषांतर कर रहे हैं। लखन तो बीच में है, कभी रघुनाथ जी का वो कर देते हैं, कभी परशुराम जी का। बाकी दोनों का चरित्र देखने से ये राम राम संवाद जो है, लखन जी तो दुभाषी का काम कर रहे हैं बीच में। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिन युक्ता आयुक्ता अनुक्षा धर्म कामाहा। कौन ब्राह्मण? जो विचारवान है, उस ब्राह्मण की वंदना आचार्यों ने की है। और भगवान राम के फिर उपनिषदों के साथ जोड़ दिया जाए तो ये सभी आपको दिखाई देगा। और भगवान परशुराम जी में एक कुछ समय के नहीं, यदि न दिखाई दे तो समझना ये हमको शिक्षण देने के लिए कर रहे हैं। उपनिषदों ने कहा है कि जब तुम भटक जाए, अद्भुत है उपनिषद, विचारों की ऊंचाई हिंदुस्तान ने जितनी उपनिषदों में पकड़ी है, विश्व का कोई ग्रंथ, विश्व की कोई भाषा, विश्व का कोई चिंतन वहां तक पहुंच नहीं पाया है। इतनी ऊंचाई का गौरी शंकर शिखर उन्होंने। इसलिए आज भी पाश्चात्य कुछ चिंतक लोग आक्षेप करते हैं कि भारत के मनीषी उपनिषद से आगे जा ही नहीं पाए, लेकिन उन बच्चों बाल पंडितों को क्या कहे कि इससे ऊंचाई कोई दुनिया में है ही नहीं, वो क्या जाने। जब तुम्हें किसी कार्य में, किसी व्यक्ति में, किसी घटना में संदेह हो जाए और तू कुछ निर्णय न कर पाए तो तुझे कहां जाना? विचारवान ब्राह्मण के पास जा, जो विचारों से पर, और विचार भी विवेक विचार, भाव के विचार, वैराग्य के विचार, वेदांत के विचार, ये सब विचार। सम्मर्षिनः, ऐसा जब कोई मिल जाए तब तेरी बात रखना। जो युक्ता है अपने धर्म में, अपने कर्तव्य धर्म के बनिए। एक बात तो आप समझ ही लो, धर्म कहने की बात है ही नहीं, करने की ही बात है। कहना तो पड़ता है, बाकी धर्म कोई कहने की बात थोड़ी है, धर्म तो करने की बात है।
और जब हमसे धर्म निकल जाता है, धर्म माने कोई कोई गलत अर्थ न करे, मेरी व्यास गादी को कोई संकीर्ण न समझे, सदैव वास व्यास गादी इस देश की बहुत विशाल रही। धर्म यानी प्रेम, धर्म यानी करुणा, धर्म यानी परहित, धर्म यानी शौच, धर्म यानी तप, धर्म यानी सत्य। पवित्रता, दया, ये सब धर्म है। मनसा कर्मणा वाचा सद्धर्म वेद नेत। महाभारत ने घोषणा की, सर्वेषां च हिते रता सद्धर्म वेद। इस अर्थ में धर्म को लो, ऐसा तत्व हमारे जीवन से जब निकल जाते हैं और हम परधर्म में प्रविष्ट हो जाते हैं, तब ये प्रसंग हमको मार्गदर्शक देने के लिए आया। परशुराम जी परधर्म की ओर चले गए। आप सब जानते हैं देहातों में कि अग्नि में, अग्नि के काष्ठ में, जब तक ये सब ने देखा होगा बचपने में, मैं देहात का हूं, देहात में देखता हूं, आपने देखा होगा, अब थोड़ा परिवर्तन हुआ है बात और, बाकी सबने देखा होगा कि लकड़ी में आग होती है तब तक लकड़ी को कोई नहीं छूता, लेकिन लकड़ी से आग विसर्जित हो जाती है और राख हो जाती है तो लोग, बच्चा विष्टा करता है उस पर वो राख डाल देते हैं और साफ कर देते हैं। जब अग्नि तत्व निकल जाता है तब उसका उसका कोई अर्थ, वैसे व्यक्ति व्यक्ति से जब ऐसे इस प्रकार का धर्म तत्व निकल जाता है तब व्यक्ति एक दूर मात्र रह जाता है, इस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। लोग डालते हैं राख, डालते चूल्हे से लेकर दिया तो माता जी बच्चे के मल पर डालकर फिर साफ कर दो, कहां वो अग्नि। अग्ने नय सुपथा राये अस्मि, जो अग्नि देव की महिमा हमारे यहां, उस अग्नि में से अग्नि तत्व गया तो क्या हो गया। वैसे हम में से जब धर्म चला जाए, धर्म यानी इतना विशाल, इसी भाव को जब हम भूल जाते तब हम क्या रहेंगे। क्यों धर्मात्माओं के पीछे पूरा संसार दौड़ता है, इन आचार्यों के पीछे, महात्माओं के पीछे क्यों हम सब दौड़ते हैं, क्योंकि धर्मात्मा वो है जिसकी जिसको संसार की अपेक्षा नहीं है, इसलिए संसार को धर्मात्माओं की अपेक्षा है, क्योंकि धर्मात्माओं को संसार की अपेक्षा नहीं है, इसीलिए संसार को धर्मात्माओं की अपेक्षा है। उनका भी अग्नि तत्व निकल जाता तो मिट्टी है। तो उपनिषदों ने जो विचार दिए हैं मेरे भाई बहन, इससे ऊंची तो कोई बात ही नहीं है दुनिया में। जो विचारवान है और जो युक्त है सदैव जुड़े हुए हैं। जुड़े रहो बाप, नख जुड़े रहते हैं तब तक कीमत काट दिए जाते हैं, फेंक देते, दंत जुड़े रहते हैं तब तक शोभा बाद में फेंक दिए जाते हैं, वैसे स्थान भ्रष्ट मत होइए। केश काट दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, स्थान भ्रष्ट। जो युक्त है धर्म से, आयुक्ता, उसका युक्त रहना भी किसी के कारण नहीं है, अपने स्वयंभू है। कोई प्रलोभन से युक्त नहीं होता आचार्य, किसी के दबाव से, किसी की प्रतिष्ठा में आकर वो युक्त नहीं होता, वो अपने स्वाभाविक रूप में होता है। जीवन जियो तो बाप ऐसा जियो कि तुम्हारी स्विच तुम्हारे पास हो। आज तो क्या हो गया, कोई दो शब्द कहते और हम गुस्से में हो जाते, स्विच उसने दबाई और हम क्रोध में, ऐसे हम क्यों हो। अपनी स्विच अपने हाथ में रखो, ऐसे जीना चाहिए, किसी के कारण नहीं। जो किसी के कारण धर्मात्मा नहीं हुआ है, अपनी स्वयं अनुभूति से हुआ है, भारत का स्वभाव है इसीलिए हुआ है।
ज्ञान में रम जाना, ज्ञान में डूबे रहना, ज्ञान में रममाण रहना, वही तो भारतवर्ष का स्वभाव है। ऐसा ऐसा विचारवान व्यक्ति, उससे मार्गदर्शन लेना। जब तू भटक जा, जब तू गुमराह हो जा, तब उसको पूछना जो सरल है। सरल है, सहज है, स्वाभाविक है। मैं तो ऐसे व्यक्तियों की वंदना करता हूं और जब देखता हूं तो राजी होता हूं। मैंने कई बार ये बात कि व्यक्ति सबल हो, साथ साथ सरल हो और उसके साथ सजल भी हो, सामर्थ्य हो, सरलता हो और कृष्ण नाम और रघुनाथ जी के नाम से जिसके नेत्र में जल भी हो, वही व्यक्ति सफल है दुनिया में। जो सरल है, स्वाभाविक है। धर्म कामाः स्युः, जो धर्माभिलाषी है, धर्म के सिवा उसको कोई अभिलाषा नहीं। सत्य को ही पाना है, तप को ही पाना है, पवित्रता को ही निर्वाह करना है, दया ही रखना है। ये जो धर्माभिलाषा जिसकी है, धर्म कामाः, यथाते तत्र वर्तेरन, हे साधक, हे पथिक, ऐसा कोई मिल जाए तो तू उनके मार्ग पर चल। वर्तेरन, ऐसा जो वर्तन करे उसके पग पर, ऐसा जो वर्तन करता उसके चरणों में तू चल। वर्ते था इनके चरणों में, एष आदेश, एष उपदेश, एषा वेदो, ये आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद उपनिषद की बात है। एतत् अनुशासनम एवं उपासितव्यम, यही अनुशासन है और यही उपासना करने योग्य बात है। तो यहां इस प्रसंग में रघुनाथ जी क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मणाः और परशुराम जी ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए हैं, लेकिन थोड़ा परधर्म में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए विचारवानता उसकी थोड़ी टूटी है। सम्मर्शिनः, तत्व कम पड़ गया, दुर्बल पड़ गया है, पक्ष दुर्बल हो गया है। उसका विचार के साथ बोलना नहीं रहा, वरना मेरे लक्ष्मण जी ये नहीं कहते, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा एक वचन है। इतने शब्द बोल गए, इतने वचन बोल गए हैं परशुराम जी, कहने तो चाहिए थे कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे, लेकिन एक वचन का प्रयोग किया, तुम्हारा, क्योंकि लक्ष्मण जी ये कहना चाहते कि बोले तो बहुत, ये सब मिलकर कोटि कुलिस नहीं हुआ है, एक एक वाक्य आपका कोटि कुलिस के बराबर हो गया। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, एक वचन का प्रयोग कर दिया, एक एक वचन आपका कोटि कोटि वज्र के बराबर है। विचारवान, सम्मर्शिनः, तत्व टूट गया। युक्त भाव भी गया, उसको जो ब्राह्मण के लक्षणों के साथ युक्त रहकर धर्माभिलाषा करनी चाहिए, उसमें भी थोड़े ढीले पड़ गए। धनुष ने उसको संचालित कर दिया, एक जड़ टूट गया, उसमें बाबा उलझ गए। आयुक्ताः, ये सूत्र भी ठीक हो गया। अलुक्षा, सरलता तो दिखाई ही नहीं दी, पारुष्यता तो हद से बढ़ गई भाई, सरलता तो कहीं नजर नहीं आ रही है। धर्म कामा, धर्माभिलाषा भी, जो मुनियों का धर्म होना चाहिए वो नहीं आज नजर आता है। हमको शिक्षा देने के लिए ये सब हो रहा, और रघुनाथ जी में ये सब है, सभी तत्व।
उसका बोलना विचार से है, उसका हर अंग लक्ष्मण जी दोनों के बीच में दुभाषी का काम कर रहे हैं। इसलिए जब जैसी भाषा बोली जाए ऐसा अनुवाद करते हैं, सीधी बात है, जैसी बोली परशुराम बोले उसका अनुवाद कर लेते हैं, यहां ठाकुर बोलते हैं उसका अनुवाद करते हैं, उसकी दुभाषिया का काम कर लेते। लगता है कि लखन भी क्रोध में बोल गए, लेकिन वो तो बिहंसी लखन बोले मृदु बानी, अहो मुनीस महाभट मानी। तो अब लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज आपके सामने हम युद्ध करें और यदि मार दें ये चार जो हैं, सूर महिसूर हरिजन और गाय, इनको यदि बध कर दें तो बधे पाप, मारने से पाप लगता है, और उनसे हार जाए तो अपकीर्ति हारे, इनसे हारे तो अपकीर्ति अयश, इसलिए तो आप प्रहार करेंगे ना तो भी आपके चरणों में ही पड़ना होगा, क्योंकि आपके साथ नहीं हो। आचार्यम च प्रवक्तारम पीतरम मातरम गुरुम, मनु महाराज ने संविधान निर्माण किया है, आचार्यों को मारने से अपकीर्ति और पाप है, माता पिता प्रवक्ताओं के लिए भी लिखा, जो प्रवक्ता है उनको भी वो करने से वो नहीं, और गुरु माता पिता ब्राह्मण आदि का और तपस्वी, इतने इतने मनु महाराज ने दे दिए, इनको मारने से पाप लगता है और इनसे युद्ध करने से हारने से जगत में अपजस होता है कि इनसे हार गए तो मारत हूं पाह परियत मारे, हम तो आपके चरणों में। लेकिन अब धीरे से कह देते हैं कि महाराज आपकी उम्र देख करके आपकी स्थिति देख करके दया आती है, इसलिए क्योंकि बोझ उठाना तो शेष का स्वधर्म है, आप महात्मा होकर के बोझ क्यों उठाते हो, मैं शेषा अवतार हूं पूरी धरती को उठाता हूं, आप ये कुठार ये तरकस ये धनुष बाण ये लोहे का सामान अपने शरीर पर रखकर क्यों घूमते रहते, ये तुम्हारे शरीर पर लोहा क्यों, आपको ये लेने की जरूरत नहीं। परशुराम जी यदि कहे कि तू क्या समझता है मैं ये धनुष बाण न रखूं तो ये दुनिया हमको कायर समझ लेगी, हथियार की जरूरत है, लोग प्रमत्त होते जा रहे हैं इसलिए मुझे जरूरत है, तो कहा महाराज तो भी जरूरत नहीं, क्योंकि कोटि कुलीस सब बचन आपके एक एक वचन कोटि कोटि वज्र की तरह प्रपात करते हैं, आघात करते हैं, ये धनुष्मान रखने की जरूरत ही नहीं, आप बोलते ही ऐसा है कि कोटि कोटि वज्र का प्रहार हो जाता है, एक क्यों शस्त्र रखते हो, पर इससे भी शिक्षा ले। समाज में कई लोगों की बोली ही ऐसी होती है कि दिया सली की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सौराष्ट्र में लोग विनोद में कहते हैं कि एक आदमी एक पान की दुकान थी, पान का गल्ला था, तो वहां गया, वहां जब गया वो तो एक आदमी बहुत क्रोध से दुकान वाले से लड़ रहा था, गाली अपशब्द बोल रहा था और भयंकर क्रोध में बोल रहा, उसकी जबान बेकाबू होती जा रही थी। इसी समय ये दूसरा आदमी आया और पान की दुकान वाले को सिगरेट लेकर बीड़ी लेकर कहा कि जरा दिया सली दीजिए ना मुझे बीड़ी जलाना है, तो बोले बगल में जो बोल रहा उसकी जबान से स्वाद है, मुझे दिया सली बिगाड़नी न पड़े और तेरी बीड़ी जल जाएगी, उसकी जबान ही अग्नि की तरह है। बाप सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, कथा सुनने के बाद संकल्प करके उठना आज,
हथियार से तो किसी की हत्या नहीं करेंगे ऐसा संकल्प करना, लेकिन जबान से भी किसी के दुख को, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा। हथियार से तो नहीं, किसी को मार दिया, किसी को भून दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे हम, लेकिन हमारी जबान से भी हम कोई किसी को उद्वेग हो ऐसी बोली नहीं बोले, ऐसा संकल्प करना। इतनी श्रद्धा और इतना भाव से नौ दिन बैठे हो तो मेरी व्यास दादी चाहेगी उसका आपको फल मिलना चाहिए, और ये फल ये हो सकता है ऐसा संकल्प करके उठना। एक पत्नी को पति ने कहा था कि एक कुठार ला, एक फरसा ला, अपने आंगन में से सब लोग रास्ता बना लिया है, सब लोग पूरा गांव अपने आंगन से जाते हैं, क्या समझते हैं अपने मन में, ला। बोले फरसा का क्या करोगे? बोले मैं बबूर को काट करके बाड़ी बना दूंगा ताकि कोई यहां से निकल ना पाए। पत्नी ने कहा कि कोई यहां से निकल न पाए या तो चले ना, इतना ही करना है ना, तो फिर तुम कुठार लेने की जरूरत नहीं है, बबूर काटने की जरूरत नहीं है, बाड़ी करने की जरूरत नहीं, मुझ पर छोड़ दो। क्यों? कि मेरी जबान ही फरसा है, ऐसी गालियां बोलूंगी कि कोई गांव वाला आएगा ही नहीं। गुजराती में दोहा है, जीभे कापू जाखरा अने वैणनी करी दऊं वाड़, मैं जबान से काटूंगा बबूर को और मेरे एक एक वचन की बाढ़ कर दूंगा, ताकत है कोई आएगा। बानी को बहुत, बानी का कितना जीवन पर वो है, बोलो तो ऐसा बोलो दो दिल मिल जाए, किसी के दिल के टुकड़े न हो, ऐसा वाणी पर बड़ी वाणी की बड़ी महिमा है। हमारे पुराने कथाकार महापुरुष लोग कहा करते कि राजा ने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया, इतना बड़ा बनाया कि उस देश में ऐसा बंगला किसी ने बनाया ही नहीं, तो सब लोग वहां जाते तारीफ करते, विदेश के लोग आते वो भी तारीफ करते, अपना अभिप्राय लिखते, लेकिन गांव का एक मुखिया था वो नहीं जाता था, तो राजा से नहीं गया कि पूरी दुनिया आई और ये नहीं आया, कैसा घमंडी है। तो राजा ने सेवकों को भेजा कि उस मुखी को ले आओ, तो ले आए। राजा ने जो बंगला बनाया था महल, उसका दरवाजा जरा छोटा बनाया था, नीचा बनाया था, तो कोई भी जाए उसको जबरदस्ती मजबूरन झुक कर ही जाना पड़ता था, और राजा आराम चेयर में बैठता था, तो कोई जाए झुक कर जाए तो राजा उसको प्रणाम कबूल करते, उसको तो फरजियात प्रणाम करना पड़ता था क्योंकि दरवाजा ही इतना छोटा था। तो मुखिया आया, राजा ने उसको आदर दिया, अरे भला आदमी पूरी दुनिया इस महल को देखने आती और तू हमारे गांव का हमारे प्रदेश का होते हुए नहीं आता। बोले मालिक ठीक है, समय भी नहीं और मकान तो जिसके पास पैसे होते बनाते रहते, इसमें कोई बड़ी, ऐसा बोला। राजा अपने आप की महिमा को वो करके इस मुखी का हाथ पकड़ के पूरे महल को दिखाता है कोना कोना, लेकिन एक शब्द भी अच्छा नहीं बोला। सब दिखा करके राजा और मुखी बैठा, तो राजा ने पूछा कि इस महल में आपको कुछ बोलने जैसा नहीं दिखाई दिया, कुछ तो बोलो। बोले मालिक तो बोलना तो ठीक, मुझे तो चिंता हो रही है। बोले किस बात की? कि आपका शरीर मोटा है और दरवाजा छोटा है, भगवान आपको 100 साल के करें, लेकिन यदि बीच में कुछ हो गया तो इस दरवाजे से आपके शव को कैसे निकालेंगे, ये बोला। राजा ने कहा है कोई? आ गए चौकीदार, बोले क्या? इसको कोठड़ी में बंद कर दो, ये मूर्ख को बोलना नहीं आता, मैं उसको महल दिखाने ले आया तो मेरे मौत की बात करने लगा, बंद कर दो। बंद कर दिया। दोपहर तक अपने पति महोदय नहीं आए तो पत्नी को लगा कि महाराजा ने बुलाया, अभी आए नहीं, क्या बात है, तो वो स्वयं आई। राजा बैठे थे, कहा कि महाराजा मेरे पतिदेव को आपने बुलाए थे, कहीं काम से भेजे हैं, दोपहर तक नहीं आया। अरे मूर्ख का नाम मत लेना, मैंने अपने स्थान को छोड़ करके उसको आदर दिया और वो मूढ़ ऐसा बोला कि आपका शरीर मोटा, दरवाजा छोटा, आप मरेंगे तो कैसे निकालेंगे। पत्नी ने कहा बापू महाराजा ये उसकी बुद्धि अब ठीक नहीं है, उसको बोलना नहीं आता है,
अरे भगवान कुछ न होने दे, लेकिन शरीर मोटा है, दरवाजा छोटा है, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके तीन चार टुकड़े करके हम निकाल देंगे। ये उनकी पत्नी बोली, उसने सुझाव दे दिया, समाधान कर दिया। है कोई? दो तीन और आए, उसको पकड़कर बगल वाली कोठरी में बंद करो। पत्नी को भी, वहां वो बैठा था दूसरी कोठरी में, ये आप यहां, तू आ गई, धन्य हो पतिव्रता, धन्य हो। सायंकाल हुआ, खेत से अपना जवान बेटा बैलगाड़ा लेकर के आया, पड़ोसियों को पूछा, मेरे माता पिता कहाँ गए? बोले सुबह में महाराजा ने बुलाए थे आपके पिता को, वो दोपहर तक नहीं आए, तो अपनी तुम्हारी माँ स्वयं गई, दोनों में से कोई नहीं आया। वो बैलों की जो रास वो छोड़ करके, बैलगाड़ा छोड़ करके तुरंत गया। महाराजा बैठे थे, प्रणाम किया, महाराज हाँ मेरे माता पिता आए थे। बोले माँ नाम मत लेना इन मूढ़ों का, इतनी उम्र हुई बोलता नहीं, बोलना नहीं आता। बोले हुआ क्या? कि तेरे बाप ने कहा शरीर बड़ा दरवाजा छोटा, आपको कैसे निकालेंगे मरने के बाद, और तेरी मां तो एक कदम आगे बढ़ गई कि टुकड़ा कर देंगे। अरे बापू, दोनों बूढ़े हैं, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, भगवान ऐसा न करे, और यदि ऐसा हो गया तो कुछ कोई चिंता नहीं, अंदर जगह काफी है, यहां आंगन में ही आपका अग्नि संस्कार हो जाएगा। कोटि कुली से सर बचन मैं आपको प्रार्थना करके आज जाऊं कि अपनी जीभ पर शस्त्र मत रखना, शास्त्र रखना। जिसकी जबान पर शास्त्र है वो धर्माभिलाषी है, उसके पीछे संसार दौड़ेगा। प्रत्येक भारतीयों की जबान पर शास्त्र हो, गीता का श्लोक हो, उपनिषद का मंत्र हो, मानस की चौपाल हो, ये भारतीयों का परिचय है बाप। परशुराम जी महाराज को लखन जी जीव धर्म के आचार्य हैं, ये रामानुज हैं, रामानुजाचार्य हैं, ये रामानुज है श्री लक्ष्मण जी। बोली को ठीक करें, पूरी दुनिया को छोड़ो, अपने परिवार में तो संभालो ताकि परिवार में राम राज्य आ जाए, परिवार परिवार बच जाए। हमारे महात्मा लोग कहते हैं आंख दो है उसका कार्य एक है देखना, कान दो है कार्य एक है सुनना, हाथ दो है कार्य एक है कर्म करना, पैर दो है कार्य एक है गति करना, लेकिन ये नासापुट दो है कार्य एक है सांस लेना छोड़ना खुशबू लेना, सब दो दो लेकिन कार्य एक है, लेकिन जीभ एक है कार्य दो है, बोलना और स्वाद लेना। आदमी स्वाद कितना लेना वो सीख जाए, और बोलना कैसा कहां किस तरह इतना सीख जाए, तो दुनिया में अस्पताल कम हो जाए और कोर्ट कम हो जाए। ये जबान से ऐसा बोलते हैं वैर होता है, फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, जबान पर संयम नहीं रखते ऐसा तैसा खाते हैं, इसलिए अस्पताल में जाना पड़ता है, ये सब समाप्त हो जाए। इसलिए तो भगवान ने उसको डबल लॉक में रखे गए, जीभ को दो किले में रखी है, पहले तो दांत का किला फिर होठ का किला, क्योंकि खतरनाक है, इसके लिए उसको अंदर रखता है। गुजराती मैम कहे कि हिंदी कर दू उसका, जीभ में एक भी हड्डी नहीं है ना, जीभ में हड्डी तो नहीं है, रेसे हैं, जो वीर शरीर शास्त्र के विद्वान हो उसका ये विषय है, लेकिन उसमें हड्डी तो नहीं है। जीभ में हड्डी नहीं है लेकिन वो चाहे तो हमारी हड्डियां तुड़वा सकती है, एक भी हड्डी नहीं है लेकिन वो चाहे तो कोई भी हड्डी सुरक्षित न रहे, तुड़वा दे। कोटि कुली से बचन तुम्हारा, देखो भाई वाणी ये धन है,
वाणी प्रभु ने देकर के बड़ी संपदा हम सबको दी है, ये परम धन है वाणी। और धन का जो ठीक से उपयोग नहीं करता, प्रबोध सुधाकर में भगवान आदि जगतगुरु शंकर ने लिखा है कि उसको तो धन के बारे में लिखा है, अर्थ के बारे में, अर्थ की निरर्थकता के ऊपर उसकी जो कलम, उसका जो चिंतन चला, उसमें तो लिखा है कि धनवान के पास बहुत धन है, और ये धन का भाग्य भाजन होते हुए अर्थ से अनर्थ करे, उसका ठीक से उपयोग न करें तो उसके पीछे भूत दौड़ते रहते। धनवान यदि ठीक रास्ते से न चले तो उसके पीछे चोर दौड़ते रहते हैं। धनवाला आदमी चार वस्तु गिनाई, यदि ठीक से वो न करे तो ईर्ष्या करने वाले उसके पीछे लगते हैं कि कब गिरे कब गिरे कब गिरे। और धनवान यदि ठीक से न जिए न जीने दे तो उसके पार्टनर, उसके सगे वाले भी तैयार रहते हैं कि कब उसकी पेढ़ी बंद हो जाए, कब उसका धंधा बंद। एक धन की अनर्थता को सिद्ध करने के लिए लिखा, लेकिन वाणी भी तो धन है बाप। जो वाणी को ठीक से नहीं बोलता उसके पीछे भूत चलता है, जो वाणी का सदुपयोग नहीं करता उसके पीछे चोर चलता है। किसी ने किसी प्रकार में आत्मधन चुरा लिया जाता है, किसी न किसी प्रकार में हम भयग्रस्त, भूतमानी भयग्रस्त। इसलिए तो उपनिषद में लिखा है भयादेयम, तुमको निर्भय होना है तो किसी को दान दो तब भय के साथ दो, कहीं उसका अपमान तो नहीं हो रहा। अद्भुत है उपनिषद, भयादेयम लज्जा से दो, हृयादेयम श्रेयादेयम भयादेयम, ये जो श्रद्धयादेयम, ये जो बातें आई उपनिषद दो तब। ये मुझे बहुत प्रिय लगता है, मैं अकेला गुनगुनाता कि क्या मेरे देश के ऋषि हैं निछावर हो जाए। दो तो लज्जित होकर दो, किसी को एक रुपया दो ना तो उस समय बड़ाई मत करो, लज्जित हो कि अरे प्रभु ने मुझे इतना दिया और मैं उसको इतना ही दे रहा हूं। लज्जा के साथ, शर्म के साथ दो, डरते डरते दो कि उसको देने जाएंगे और वो मना कर देंगे तो। ऐसे देने की बात हमारे यहां कही, चोर पीछे दौड़ते। जो वाणी का ठीक से सदुपयोग नहीं करता उसके लिए ऐसे लोग भी उनका पीछा करते। इसलिए सावधान मेरे भाई बहन, कोटी कुली से बचन हमने जहां में की है, एक शेर है, हमने जहां में की है बहुत बेफजूल बातें, निरर्थक वाली बोले, हमने जहां की है बहुत बेफजूल बातें, तो अब जपे जाप तेरा वो जुबा चाहता हूं, कृपा सिंधु तेरी कृपा चाहता हूं, और की हुई खता की क्षमा चाहता। अब ऐसी जबान मुझे दे हे वरदायिनी, हे वीणा पुस्तक धारिणी, सरस्वती के रूप देखकर वाणी की उपासना करो। सरस्वती एक हाथ में स्फटिक की माला रखती है, एक हाथ में वेद का पुस्तक रखती है, और बीच में दो हाथ में वीणा रखती है। यही भारतीय वाणी उच्चारकों की, उच्चारकों का परिचय है। विद्वता होनी चाहिए, वेद की उपासना होनी चाहिए एक हाथ में, लेकिन भजन भी होना चाहिए, जप भी होना चाहिए। प्रभु के भजन बिना बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपो। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जारी कलेशा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना
हरि भजन जगत सब सपना। आप मुसुंडी जी कहते हैं मुनि दुर्लभ बर पायो देखो भजन प्रभा। एक हाथ में माला ये भजन का प्रतीक है, एक हाथ में वेद, एक हाथ में भजन, ये दोनों भारतीयों का रूप है, लेकिन बीच में वीणा, वीणा है मधुर वाणी का प्रयोग, संगीतमय वाणी, बोली में मधुरता। मुझे कई कई लोग चुटकी लेते हैं कि आप राम की बात करते हैं, हमारे कृष्ण ने मुरली बजाई, तुम्हारे राम ने कभी कभी वाद्य कोई बजाया, मुरली बुरली बजाई आपके? ये मधुर कला होता है महापुरुष कि कृष्ण ने तो ऐसी मुरली में तान भरी कि क्या बताएं। लेकिन राम जी ने कोई कभी, मैंने कहा मेरा ठाकुर बोलता था तो ही संगीत प्रकट हो जाता, उसको कोई मुरली की जरूरत नहीं पड़ती, वो बोलते थे, उनके मुख से शब्द निकलते थे, लोग मुग्ध हो जाते थे, डूब जाते थे। कोटि कुली से सम वचन तुम्हारा। सरस्वती के हाथ में वीणा है, व्यक्ति में भजन हो, व्यक्ति में वैदुष्य हो, और व्यक्ति के जीवन में मधुरता। बुद्ध भगवान के पास जब आनंद ने जाकर पूछा था, तब उसको सम्यक जीवन बताने के लिए आनंद कहते हैं वो वीणा का बहुत बड़ा वादक था, तो बुद्ध ने कहा कि तेरे प्रश्न के उत्तर में ला तेरी वीणा, और बुद्ध भगवान उस वीणा को टाइट करने लगे, तार को तंग करने लगे, और कहा कि कोई राग छेड़। आनंद ने कहा मुझे क्षमा करे भगवान, ये आपका विषय नहीं है संगीत, और मैं आपका वो भूल निकालू वो भी मुझे वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बोले क्या, बोले ये तार को बहुत तंग करने से संगीत निष्पन्न नहीं होगा। उसी समय बुद्ध ने ढीले कर दिए और कहा कि अब निकालो। बोले माफ करे भगवान, ये आपका क्षेत्र नहीं है, अति ढीला करने से भी संगीत पैदा नहीं होता, तो तार को सम करने से संगीत पैदा, वही तो तेरे प्रश्न का उत्तर है, सम्यक। सरस्वती यही बता रहे, वाणी की मधुरता जीवन में आए, मधुर बोली वाला संसार में रहता है तो संसार को मंदिर बना देता है, और कटु बोली वाला मंदिर में रहता है तो मंदिर को संसार बना देता है, इतना परिवर्तन हो गया। कोटि कुली से सम वचन तुम्हारा, वृताधर बाल तुम्हारा। तो आपको ये सब लोहे का सामान उठाने की जरूरत नहीं है महाराज, अकारण उठा रहे, क्यों डोए जा रहे हो? इतने शब्दों को सुनकर गोस्वामी जी बोले, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महा मुनि धीर। जो बिलो की अनुचित कहे महा मुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गभीर। सुनी सरोष रघुवंश मणि बोले गिरा गभीर। बाबा आपके इस धनुष बाण शस्त्रादि को और बोली को देखकर सुनकर के मैंने कुछ अनुचित चेष्टा की है, क्षमा हूं
महाबुद्धि, मुझे क्षमा कर भाई। यह है रघुकुल, यह है सुमित्रा का दूध, मगध की मां का यह है दूध का प्रभाव। समहुं क्षमा, मुझे क्षमा कर। इरादा नहीं था महाराज, ये आपका सब देख करके, व्यवहार देख करके, वेश देख करके, बोली सुन करके, जो बिलो की जो देख करके मैंने थोड़ा अनुचित, मैं समझता हूं मेरा मेरा अनुचित है ये। वाह वाह, धन्य है रघुकुल, वारी जाओ अनुचित। गोस्वामी जी ने तो नहीं लिखा है, लेकिन हमारे पुराने कथाकार लोग कहते हैं कि जब परशुराम जी ने आखिर में जब क्षमा मांगना शुरू किया, तब रघुनाथ जी से पहले लक्ष्मण जी के आंख में जल आ गए, नहीं महाराज ये ठीक नहीं हो रहा, आप हमारे पूज्य। अनुचित बहुत अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणये सखैति मत्वा प्रसभनं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव। अजानता महिमानं अनुचित बहुत कहलहु अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर। जनकपुरी के प्रसंगों में हमारे दादाजी कहते, जिसके चरणों में बैठकर मैं पढ़ा हूं, कि दो प्रसंग में लक्ष्मण जी के आंख में आंसू आए, संतों ने देख लिया, अंतःकरण की प्रवृत्ति में, चेतना में पाया वो। एक तो ये प्रसंग जब परशुराम जी क्षमा मांगने गए, अब लक्ष्मण जी जरा ओह नहीं नहीं बाबा नहीं, हम बोल गए आपके सामने, थोड़ा ये हो गया, लेकिन आखिर आप पूज्य, आप हमारे वरिष्ठ हैं, आप क्षमा मांगो ये ठीक नहीं। और एक प्रसंग है, जय ही बरबाजी राम असवार, कल विवाह पंचमी है, भगवान जब दुल्हे बनकर घोड़े पर चढ़े हैं, उसी समय प्रभु का जो एक तो सहज सलोने मेरे ठाकुर, और उसमें भी दुल्हे का स्वांग, जब तभी कहते हैं लक्ष्मण जी के नेत्र जरा वो हो गए थे, और दशरथ जी ने पूछा लखन। हां पिताजी, क्या बात है, ये मंगल प्रसंग है, इसमें आंसू ठीक, एकदम अपने को स्वस्थ सावधान कर लिया, लेकिन बार बार पूछा गया कि बात क्या है, तू जागृत पुरुष है, तेरी कोई भी चेष्टा सकारण हो सकती है, क्या बात है बेटे। तब कहा कि पिताजी, आज मुझे डर लगता है कि भगवान राघव को किसी की नजर न लग जाए, यहां किसी की उसको नजर, आज कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं तो कहता रहता हूं दुनिया में हर एक प्रकार की स्पर्धाएं होती है, दौड़ने की, फलाकी फलाकी, लेकिन राम ब्याह हुआ तब भगवान को देखने के लिए आंखों की स्पर्धा हुई थी, किसको कितने नेत्र, किसको कितने नेत्र, ब्रह्म एक और ब्रह्मा जी 8 नेत्र लेकर, एक और शंकर भगवान 15 नेत्र लेकर, कार्तिक स्वामी 12 नेत्र लेकर, सब नेत्रों की स्पर्धा चल रही थी। और आज पुरंदर गौतम ऋषि के श्राप को उस समय सफल मानने वाला इंद्र सबसे बाजी मार गया, क्योंकि उसको जो छिद्र हो गए थे वो सभी छिद्र नेत्र में परिणीत हो गए। जो बिलो की अनुचित क्षमहु महामुनिधीर सुनि सरोष ब्रह्मवंशमणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी क्षमा मांगने जा रहे, क्षमा कर देना, वेश देख करके ना समझी में अनुचित कह दिया है बाबा, हम तो रघुकुल के हैं। लेकिन ऐसी बात लक्ष्मण जी की सुनते ही एकदम फिर सरोष हो गए, लेकिन एक फायदा हो गया, बोले गिरा
अब वाणी में केवल आवेश नहीं है, अब गंभीरता आने लगी, वाणी प्रौढ़ होने जा रही। इतने अनुभव में ऋषि पा रहा है कि नहीं, बात कुछ और है। बोले गिरा गंभीर, वाणी में प्रौढ़ता आ गई, वाणी कुछ ऐसी। और इसलिए गोस्वामी जी कह देते हैं रघुवंश मणि प्रारंभ किया रघुकुल कमल पतंग, आज कहते हैं रघुवंश के मणि है, सराहा गया और सही सिद्ध है। मणि के वैसे तो बहुत, मणि का अपना अपना क्षेत्र है मणियों का। अभी अभी पूज्य श्री मणि के बारे में बोल रहे थे, मणि का अपना क्षेत्र है, मणि की जाति सुजाति मानी जाती है। मणि सुंदर होता है, मणि प्रकाशित प्रकाशवान होता है, मणि शुचि होता है और मणि अमोल होता है, पांच लक्षण। और ये पांचों लक्षण परशुराम जी को लग रहे हैं। जाति सुंदर भृगुकुल जिसकी जात है इसी में उसका जन्म है, तो सुजाति है मणि, सुजाति। मणि कहां मिलता, उसकी जात ही सुजाति। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान नयन गनयन उरधारी। सुजाति है मणि की, मणि जातवान होता है। परशुराम जी की ब्राह्मण कुल में जन्म है इसमें कोई प्रश्न नहीं, भृगुकुल कमल पतंग है, सुजाति है, शुचि है, पवित्र है, निष्कपट है। जो बोल देते हैं लेकिन अंदर तो कोई कपट नहीं है, कोई कपट भाव तो नहीं है उसके मन में, शुचि है, अमोल है। इसकी तुलना किससे करें, अमोल है, अमूल्य जीवन जिसका है, उनकी तपस्या, उनकी निर्लोभिता, उनकी निष्कामता अमोल है, कोई उसका मूल्य नहीं है। सुंदर है गौर शरीर भूत भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराज, सुंदर है बाबा जी। और प्रकाश भी है, भले जरा उग्रता का लेकिन तेज भी तो है, प्रकाश भी तो है। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, कौशिक सुनहु मंद यह बालक। तो परशुराम महाराज सरोष लेकिन गंभीर गिरा अब बोलने जा रहे हैं, बस उससे आगे का प्रसंग कोई दूसरी कथा में उठाऊंगा। परशुराम जी का प्रसंग तो इतना बड़ा है, लेकिन एक इतने छह दोहे हुए ना, छह दोहे यहाँ, और बाकी के जो 12 दोहे रहे हैं इसका कवि प्रभु जो प्रेरणा करेंगे, लेकिन आपके पास ये छह दोहे की गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, संतों की कृपा से, बड़ी लोग के आशीर्वाद से, और आपकी जिज्ञासा देखते हुए, आपकी रुचि और श्रद्धा देखते हुए, व्यास गादी ने मुझे जो बुलवा दिया वो मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि मैं उसको गादी नहीं मानता हूँ। गादी अच्छा शब्द है, फिर भी थोड़ा रजोगुणी भी है। कहा तो जाता है व्यास गादी, इसको स्वीकार करते हुए ये गादी है, लेकिन मैं तो उसको व्यास की गोदी मानता हूं, ये व्यास की गोद है। और व्यास के अंक में बैठकर जो वो बुलवा रहा था वो मैंने कुछ आपके सामने 9 दिन रखा है, तो इसी प्रसंग को यहां ही रखते हुए आइए मानस का क्रमशः प्रसंग को संक्षेप में उठा लूं। और भुसुंडी रामायण उत्तरकांड में जो भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को समास में जो कथा सुना दी उसी के न्याय से, बाल चरित कहि विविध विभे
मन मह परम ऊंचा ऋषि आगमन कहे सितुनी श्री रघुवीर भगवान का प्रागट्य हुआ, नामकरण हुआ, यज्ञोपवीत हुआ, गुरुदेव के आश्रम में प्रभु गए, अल्प काल में विद्या प्राप्त की और प्रभु घर पर आकर के मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव जो सीखे थे वो अपने जीवन में उतारने लगे। बाबा जी को लिखना पड़ा, प्रात काल उठी हे रघुनाथा मातु पिता मातृदेवो भव पितृदेवो जीवन में आचरण करते हैं। अब विश्वामित्र महाराज पधारे, राम की याचना की। विश्वामित्र किसी से मांगे ऐसे ऋषि नहीं है और भारत का ऋषि कभी किसी से मांगता नहीं, लेकिन कभी राज्य के पास जाकर मांगता है विश्व कल्याण के लिए तो संपत्ति नहीं मांगता है, संतति मांगता है। राजा तेरी संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, मैं भी एक बार राजा था, तुम्हारे शस्त्र भी नहीं चाहिए, शस्त्र मेरे पास बहुत है, शास्त्र भी नहीं, मंत्र भी नहीं, कोई सूत्र भी नहीं, साधन भी नहीं, साधना भी नहीं, चहो मेरे पास है। विश्वामित्र ऐसे महापुरुष, साधना भी थी, साधन भी थे, मंत्र भी थे, सूत्र भी थे, शस्त्र भी थे, शास्त्र भी थे। मैं तेरे से संतति मांगने आया, धन्य से देश का धन्य है ऋषि, संपत्ति नहीं मांग। मैं भी आपको कहूं कि आपसे पैसा नहीं मांगना है, आपके घर में एक एक युवक एक एक युवानी ऐसी खड़ी हो कि इस देश की संस्कृति के लिए ऊपर उठ जाए। घर में से एक, ये सिख धर्म में आया था पंज प्यारे, पंज प्यारे की जो बात, पांच व्यक्ति को बड़ा गुरु गोविंद सिंह का जो मैं कभी कभी कहता हूं क्या वीरता है, अद्भुत, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया गया उस समय, अपने अपने परिवार में से ऐसे उठना चाहिए, राष्ट्र के लिए, शास्त्रों के लिए, यज्ञ के लिए, हमारी संस्कृत गिरा के लिए, हमारे तीर्थों के लिए, हमारी वैश्विक मानवता के लिए, हमारे ऋषि मुनियों का श्राद्ध करने के लिए देश की युवानी खड़ी हो। तुम खूब पढ़ो, खूब डिग्रियां प्राप्त करो, भगवान आपको बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाए। और इसको देखकर एक साधु के नाते हमारी आंख प्रेम और करुणा से भर जाए, ऐसी प्रभु को प्रार्थना। लेकिन साथ साथ इस मुल्क की ऊंचाई को, इस राष्ट्र की महानता को, इस ऋषि मुनियों के चिंतन को भी ऊपर उठाने के लिए एक एक व्यक्ति आगे आए, यही मांग, यही संत। संपत्ति नहीं मांगता ऋषि, संतति मांगता है। अनुज समेत दे रघुनाथ निशिचर बधु मने हो सनातन। ख्यात इतिहास है पंजाब का, वो छोटा सा गांव, और जिस समय सिकंदर हिंदुस्तान में आया और सिकंदर को कहा था कि हिंदुस्तान से कुछ ला न ला, लेकिन एक काम, पंजाब के एक छोटे से गांव में इतिहास में थोड़ा मतभेद है लेकिन उसमें न जाओ, सार पकड़ो। वहां एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहता, रोम रोम में ऋग्वेद, तो इस ब्राह्मण को या तो उसका ऋग्वेद लेकर आना, और हमारे पास ऋग्वेद आ गया। कहते हैं सिकंदर जाता है, इस गांव को सैनिकों से कवर कर लेता है, ब्राह्मण के पास जाता है, कहा कि आप हमको ऋग्वेद दे दो। अब शस्त्री के सामने विरोध करना सयानत नहीं है, सोचा कि क्या करे, अन अधिकारी को मैं मेरा वैदिक वांग्मय कैसे दे सकता हूं, अब मना करने भी तकलीफ। मुद्दत डाल दी ब्राह्मण ने, कहा कि कल सुबह दूंगा,
सिकंदर को लगा कि क्या बिगड़ जाता है, एक रात्रि में यहां मुकाम कर दूं, चारों ओर कड़ी सुरक्षा कर दी और सुबह में जाऊंगा वो दे दे, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। बोले लेकिन एक बात बताओ, कल देने के लिए मुद्दत क्यों? बोले हमारा इतना बड़ा एक ग्रंथ है, उसका एक बार पाठ कर लो फिर दे दो। रात कटी, सुबह में सिकंदर आता है और देखता है तो ब्राह्मण अपने आंगन में यज्ञ कर रहा है और वेद का एक एक मंत्र बोल बोल करके इदम अग्नये नमः कर रहा है। और जब सिकंदर आया तब अंतिम रुचा अंदर आ गई और सिकंदर ने तलवार खींच ली कि तुमने धोखा दिया, तुमने ऋग्वेद अग्नि को समर्पित कर दिया, हम लेने आए थे। तभी ब्राह्मण ने निर्भीकता से कहा कि सिकंदर मैंने धोखा नहीं दिया, तो ये मेरा जो बालक है उसको मैं रात भर वेद बोलता रहा, उसने कंठस्थ कर लिया, मैं मेरे पुत्र को दे सकता हूं, मेरे शास्त्र को अन अधिकारी को नहीं दे, मेरे बेटे को ले जा तू, इसको ले चल तू। उसने श्रुति अपने कान से पूरी श्रुति अपने में उतार ली है। ये देश की महिमा है जहां धर्म के लिए, यज्ञ के लिए, संस्कृति के लिए इतना बलिदान दिया जाता है। तो ऋषि मांगता है संतति। अनुज समेत देव रघुनाथ निशिचर बधु मे ओ सनाथ। अनुज के साथ दशरथ जी मुझे राम को दे दो, राक्षस मरेंगे और मैं सनाथ होऊंगा। इसका मतलब अभी तक मैंने बहुत अर्जित किया लेकिन अनाथपना नहीं गया। अनाथपना तो इष्ट के आश्रय से ही होता है। मैं सनाथ होगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस नृप तुम कहूं इन कहूं अति कल्याण। दे दो राम लक्ष्मण, धर्म सुयश आपका बढ़ेगा दुनिया में और इनका कल्याण होगा, राम का कल्याण होगा। राम तो कल्याण के निदान है, इसका क्या कल्याण? लेकिन इन कहूं अति कल्याण। वो मारीच सुबाहु का कल्याण होगा, वो ताड़का का सुबह होगा, वो बाबा की अंगुली उठी वो लंका तक उठ गई, पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा, पूरे जगत का कल्याण हो जाएगा। ये अभियान होगा, ये केवल तुम्हारे आंगन से विश्व का मित्र बन जाएगा, विश्वामित्र के संग चलते चलते। इसलिए आप मुझे दे दो। शुरू में तो जरा लड़खड़ाए लेकिन वशिष्ठ जी ने जब अज्ञान मिटाया, पुत्र प्रदान कर दिए। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन, दोनों भाइयों को लेकर विश्वामित्र जी चल देते हैं। रास्ते में ताड़का को देखते ही एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण से ताड़का को मारी। भगवान ने अवतार कार्य का एक अर्थ में श्री गणेश किया, पहले पुरुष को नहीं मारा, एक स्त्री को मारी, राक्षसी को मारी। राक्षसी को मारी मतलब जहां से विकार पैदा होते हैं इस विकार की भूमिका को समाप्त कर। मारीच और सुबाहु, जैसे कृष्णा अवतार में पहले पूतना पर वो हुआ है, वैसे यहां राक्षसी के ऊपर। और दीन जानते ही निज पद, दीनता देखकर उसको अपना पद दे दिया। विश्वामित्र जी को परिचय हो गया कि परमात्मा है, अपने आश्रम में ला करके आयुध सर्व समर्पित कर दिया। आज तक के साधन साधना मंत्र सूत्र जो थे नारायणा ये थी समर्पयामी दे दिया। और कंद मूल फल, कंद मूल फल जो जो था साधना के परिप्रेक्ष्य में भी परिणाम तक सब भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान आनंदित होकर रहे। दूसरे दिन यज्ञ रक्षा में स्वयं सामने से कहकर जुट गए, मारीच और सुबाहु का वो किया, सुबाहु को जला दिया, मारीच को फेंक दिया, यज्ञ की सुरक्षा की आनंद हुआ। कुछ दिन प्रभु विश्वामित्र के आश्रम में रहे और
कई बार इसका अर्थ किया गया कि विश्वामित्र जी के पास छहों वस्तु थी, शास्त्र शस्त्र सूत्र मंत्र साधन साधना, लेकिन फिर भी यज्ञ पूरा नहीं कर पाए जब तक राम लक्ष्मण न आए। इसका मतलब हमारे पास शास्त्र हो, शस्त्र हो, साधना साधन सूत्र मंत्र सब कुछ हो, लेकिन राम और लखन नहीं हो तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। राम का मतलब सत्य और लक्ष्मण का मतलब समर्पण। व्यक्ति के जीवन में और समर्पण तो सत्य का अनुगामी ही रहता है। जहां सत्य आया वहां समर्पण आएगा ही, तो सत्य और समर्पण से ही जीवन का यज्ञ धन्य होता है। बाकी कितना ही हमारे पास हो लेकिन यज्ञ पूरा नहीं होगा। सूत्रात्मक रूप में यही भी समझ सकते हैं। फिर परशुराम विश्वामित्र जी के कहने पर भगवान राम जनकपुर की ओर धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि वर के साथ। भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की ओर चले। रास्ते में एक आश्रम आया, शिला को देखकर प्रभु ने जिज्ञासा की। विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाई कि महाराज गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। अहल्या की पूरी कथा सुनाई। महाराज कर्म का हिसाब करोगे तो अहल्या का उद्धार कब मुझे खबर नहीं, लेकिन कृपा का वट हुकुम कर दो। कर्म प्रधान है, कृपा राष्ट्रपति है। इसलिए महाराज कर्म का हिसाब लगाओगे तो अहल्या का हिसाब लगते लगते कब उद्धार हो, लेकिन कृपा करो रघुवीर, आप कृपा कर दीजिए। और तुरंत रघुनाथ जी कर्म सावन प्रगट भई तप कुंज सही देखत रघुनाथ जन सुमरायत सनमुख होई कर रही रही अति प्रेम अधी शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही मुख नहीं आवे बचन कही अति से बड़ भाई चरण मिलाई जुगल नयन जल धार बही। अहल्या का उद्धार हुआ, पति लोग की ओर अहल्या जी गति कर गए और भगवान राम आगे बढ़े, गंगा के तट पर आए और भगवान ने जिज्ञासा की विश्वामित्र जी को कि बाबा ये कौन नदी। विश्वामित्र जी हंस पड़े कि अब मुझे आप धोखा नहीं दे सकते, जो तुम्हारे नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी, जो तुम्हारी नख निर्गता है उसके बारे में मुझे पूछ रहे हो महाराज, लेकिन आप पूछ ही रहे हैं तो मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैं आपको गंगा अवतरण की कथा सुनाऊं। और भगवान विश्वामित्र जी ने ये महान कथा सुनाई जिसके लिए जो कारण है, जिसके गंगा धरती पर पधारी है गांव दिता नहीं सब कथा भाई भाव से और समय अभाव पर ना मैं भी आपके सामने गा लेता कि गंगा कैसे उतरी थी अद्भुत। तो कथा गंगा के तट पर पहुंची है, गंगा के तट पर हो रही है और कथा का नायक भी आज गंगा के तट पर पहुंचा है, इसलिए जय जयकार की। बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा गंगा है। हम भारतीयों का परिचय मां भागीरथी, अद्भुत। मैं तो उसका जल पीता रहता हूं, उसी के जीवन उस पर आधारित है जीवन, इसलिए मेरे लिए तो क्या कहूं गंगा गंगा। दादाजी मैं आपको कहूं, मैं कितनी साल पहले कनाडा गया टोरंटो शहर में, मेरे लिए गंगा जल पहले से मंगवाया लिया जाता है क्योंकि मैं उसी को यूज करता हूं। फिर
फिर कुछ साल के बाद में जब गया एक दिन प्रवचन के लिए, तो जिसके घर ठहरा था उसने कहा कि बापू फिर आप आने वाले थे, तो गंगा जल जो इतने साल पहले जो बचा था वो हमने रखा था, लेकिन हम तो विदेश में रहने वाले कि इतना पुराना गंगा जल फिर आप उसका यूज करें और आपको कुछ उसके, तो हमने कैनेडा की राष्ट्रीय प्रयोगशाला में इतने साल के बाद ये पुराना गंगा जल की जांच करवाई मेरे जाने से पहले, ये बनी घटना। जांच करवा करके बापू हम सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको दे रहे हैं कि कनाडा की राष्ट्रीय लेबोरेटरी में ये जांच में आया है कि इससे उत्तम पेय जल संसार में कोई नहीं हो सकता। मैंने इस प्रमाण पत्र की जेरोक्स मांगी कि मुझे दे दीजिए भाई, कि क्या मेरी माँ की महान, क्या जगदम्बा की महान, यह है भागीरथी गंगा। तुलसी तव तुलसी तव तीरती रघुवंश वीर सुमीरत रघुवंश वीर विधुरत मति देही चरत मति देही मोह महिष परम वेदांत के साक्षात शिव के अवतार आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, हे भगवती गंगा तेरे तीर पर पड़ा रहूं और नीर मात्रा शनो हम, केवल तेरे गंगा जल का ही अशन करके मैं मेरा कृष्ण आराम कृष्ण का आराधन करता करता मैं मेरे जीवन को पूरा, ये है श्री गंगा। सब नदियां भारत की अपनी अपनी जगह महान, लेकिन गंगा स्नान, जमुना पान, सरस्वती का दान और सरजू के तट पर ध्यान, ये अपनी विशिष्टता है। गंगा स्नान इसका अर्थ पान का महत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं, परिपूर्ण है गंगा अपने आप में, लेकिन गंगा स्नान और जमुना जी का पान श्रीमद वल्लभ आचार्य चरण ने गाया है। यमुना सकल सिद्धि मुला मुरारी पद पंकज सुरद मंद रेणु कटा विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी। श्री यमुना जी, यमुना जी उनके पान गंगा स्नान और सरस्वती का तो गान होता है, शाम का गान होता है सरस्वती का गान, और सरजू सुंदर श्याम शरीर सरजू के तट पर ध्यान की महिमा है, ऐसी गंगा के तट पर कथा पहुंची है। भगवान ने गंगा स्नान किया, तीर्थों के देवताओं को दान दिया, तीर्थ स्नान की महिमा पूर्ण बताई और फिर मिथिला पहुंचे हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, मिथिला का क्या जिक्र है, मिथिला मिथिला हे पहुना हे अब मिथिला हे पहुना अब
जैसन सुखवा यह मिथिला जैसन सुखवा यह मिथिला ऐसन सुखवा कतहुना ए बहुना रमुना ए बहुना सी स्वामन सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की। ए जानकी का प्रदेश सुंदर है, ठाकुर पधारे। विश्वामित्र जी ने बाप में कहा कि यहाँ रहे, भले ही नाथ कही कृपा, भगवान वहीं रहे। जनक जी को खबर मिली, आए हैं, मुग्ध हुए, अपना विदेह पना चुप गए और कहा कि महाराज आप राजकुमारों को लेकर सुंदर सदन में पधारे। सुंदर सदन में ठहराया, दोपहर का भोजन हुआ, थोड़ा विश्राम और शीत प्रहर हुआ है और भगवान नगर दर्शन के लिए लक्ष्मण जी के बहाने निकलते हैं। नगर दर्शन के लिए नहीं, नगर में एक सुनई ना थी जनक की पत्नी, और पूरे नगर को सुनई ना करने के लिए प्रभु निकले। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। विश्वामित्र जी ने कहा आपका सुंदर स्वरूप बता करके सबके नेत्र को सुनयन कर दो, सुफल कर दो। प्रभु नगर में आते हैं, पूरी नगरी उमड़ जाती है। आप कथा बिल्कुल प्रसिद्ध है समय अभाव से। तो तीन प्रकार के दर्शक, बड़े बड़े लोग थे, वो रास्ते पर खड़े रह गए राम को देखने के लिए। समवयस्क जो थे वो भगवान के श्री अंग को छू करके भगवान को अपने ढंग से मोड़ देते हैं, और माताएं जो मिथिलानी थी वो सब अटारी से प्रभु का दर्शन कर रही है ऊपर से। और गोस्वामी जी कहते हैं कि लोग जो पुरुष थे वो कौन है ये राजकुमार, इसका जल्दी परिचय नहीं प्राप्त कर पाए। बच्चे तो अप्रोत हो गए, लेकिन माताएं परिचय प्राप्त कर लेती हैं कि दशरथ जी के पुत्र है, सांवरा है, वो कौशल्या का बेटा है, गौर है, वो सुमित्रा का बेटा है, विश्वामित्र जी के संग आए हैं, आदि आदि माताएं परिचय प्राप्त कर लेती। और दुनिया में भी किसी का परिचय पुरुष इतना जल्दी नहीं प्राप्त करता जितनी माताएं प्राप्त कर लेती, चाहे सच्चा झूठा कैसा भी, लेकिन वो पकड़ लेती। ये माताओं का स्वभाव। अब बस में ट्रेन में मुसाफरी करो तो पुरुष पुरुष आमने सामने बैठेंगे तो कोई बोलेगा नहीं, आंखें निकालेगा, लेकिन बहन बहन आमने सामने आएगी तो बहुत पूछेगी, बहन कहां जा रही हो? बोले उधर। तो आप कहां, पियर कहां है? बोले ससुराल कहां है, कौन कौन परिवार में है, सब पूछेगी। और एक प्रश्न खास पूछेगी, सास है? बोले हाँ अभी तो है, महत्व का प्रश्न है, सब पूछेगी। हमारे गांव में कथा होने वाली है, लो ये एड्रेस, हमारे नगर में आना और हमारे घर ही ठहरियो। ये माताओं का स्वभाव है, निमंत्रण पुरुष में ये नहीं आता, पुरुष जरा घमंडी होता है। बहनों में ये स्वभाव, हमको ऐसे मुसाफरी करते हैं, कभी ट्रेन में कभी ऐसे मुसाफरी करने का प्रसंग आया तो ऐसे अनुभव होते हैं। हमारे गोडिल तो कहते कि कथा ऐसे गुजरते थे तो एक एक व्यक्ति बैठा सामने और तिलक बिलक देखे तो मानेगा कोई महाराज है, तो फिर शुरू करे जय श्री कृष्ण जय सियाराम, तो हम समझ जाते कि ये पीरियड 35 मिनट नहीं 3 घंटे चलेगा। सब पूछे, माताएं कोई होती है तो सब पूछेगी, पुरुष तो नहीं पूछेगा, माताएं पूछेगी, बाबा कहाँ रहते हो? बोले वहां। क्या करते हो? बोले कथा। आपके गुरु कौन? वो। घर में कौन कौन है? वो इतने। तो पहले से कथा ही करते हो कि पहले कुछ और करते थे? इतना पूछेंगे माताएं क्या बताएं। फिर पूछेंगे रामायण की ही कथा करते हो कि भागवत जी की भी करते हैं? बोले रामायण की मानस की कथा कर। अच्छा तो कौन तारीख से कौन तारीख तक कथा है? बोले इस तारीख। 9 दिन रखते हो कि ज्यादा? बोले 9 दिन। 9 दिन में पूरी हो जाए डांटे। अरे भाई कैसे पूरा करना, वो तो वक्ताओं के हाथ में होता है ना, व्यास समास स्वमति ऐसे कर ले। इस कथा के बाद कहां है तो वो भी बताना पड़ेगा।
तो बस कथा ही करते रहते हो, साल में कितनी कथा करते हो? और फिर एक प्रश्न खास पूछते कि एक कथा करते हो तो रुपया कितने लेते हो? अरे अरे मैं तो खुली चैलेंज करता हूं दुनिया में कि आप राम कथा के बदले में क्या दे सकते हो? दुनिया पूरी बिक जाए तो भी गोस्वामी जी का ऋण कभी नहीं चुका जाएगा। मानस की एक पंक्ति में तुम्हारी संपदा कंगाल दिखती है, क्या दे पाते हैं दुनिया? गोस्वामी जी ने एक बार घोषणा की थी, इंद्र बापुरो कौन, इंद्र कौन बेचारा, भाव से पूछ लेते हैं। फिर कहते हैं चैत्र महीना है, गुजराती में लोग बोले तो कहे चैत्र महीनो छे हके राखो, माने करते रहो, बस करते रहो, तुम्हारा वो है। सब पूछ लेंगे माताओं का अच्छा से। हमको एक मेरा खुद का अनुभव, हमारे गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, भावनगर में कथा कह रहा था, तो एक हमारे कवि स्नेही बड़ी उम्र के कविराज, तो अक्सर आते हमको कविता सुनाते, तो वो कथा में आते होंगे, भीड़ में दूर बैठते थे। एक दिन मुझे मिलना है, बोले बापू मैं कथा में आता हूँ लेकिन दूर बैठता हूँ, आज मौका मिल गया, लेकिन आपको एक राज की बात बता दे। मैंने कहा क्या? कि आपके बारे में मैं दूर बैठता हूँ, अगल बगल में बहन लोग क्या चर्चा करती है आपको पता है? मैंने कहा जल्दी बोलो क्या बात है। बोले एक बहन दूसरी बहन को कह रही थी कि ये बापू छह छह घंटे बोल, तो तब मैं दो समय कथा करता हूँ, सुबह शाम सात आठ घंटे बोल लेता, तो कहे ये इतने घंटे बोलते आपको पता है बहन? तो दूसरी पूछे क्या क्या कोई पता नहीं क्या बात, क्या कहना? बोले दस शेर दूध सुबह पीते हैं, दस शेर शाम को, आधा मन दूध। बोले मेरे दिमाग में दूध ही घूम रहा है। मैंने सोचा कि इन माताओं ने हमको समझा क्या रखा होगा, इतना दूध पीने वाला तो फिर मनुष्य रूप है।